वही अगर आप देखिए, अब सोशल मीडिया का थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभार अजीब चीज़ें भी चल जाती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं या फिर जिसमें थोड़ी सी जो अलग है कुछ, एकदम ही कुछ आबिट है, लोग पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया का ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, टैलेंटेड लोगों के लिए हमेशा जगह रहेगी, अच्छी फिल्मों की व्यूअरशिप रहती है और अच्छे एक्टर्स को भी देखा जा रहा है, बट सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ पता नहीं क्या क्रिएट हो जाए क्या ना हो। तो सोशल मीडिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना सबके लिए। शॉर्ट फिल्म भी आई है आपकी, उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहिए उसके बारे जी, अभी शॉर्ट फिल्म हमारी जो है शुगर फ्री, वो सोनी लिव पे आने वाली है, सोनी लिव ऐप पे और सोनी लिव का जो चैनल है, तो उसमें जोया अफरोज और मैं हमने एक्ट करा है। और ये जो फिल्म है ये बात करती है कॉर्पोरेट और वर्क स्ट्रेस की। बेसिकली आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, तो ये फिल्म हम इसमें दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लें तो आप बहुत प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर आप इग्नोर करें, यहाँ तक कि बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आप इग्नोर करके अगर काम करें और पॉजिटिव माइंड में रहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुगर फ्री इज़ अ स्मॉल टेक ऑन लाइफ एंड जनरली कि लोगों को कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट ये कैसे बेटर कर सकते हैं। इट्स ऑन दैट। और बहुत अच्छी एक स्वीट कहानी निकली है, बहुत अच्छी एक फिल्म निकली है, और अभी हमने कुछ 150-200 लोगों को दिखाई है, तो दे हैव रियली लाइक्ड इट। तो हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई होप पीपल ऑन सोनी लिव और हमारा अपना चैनल है रेज कॉप मीडिया, उसको उस पर भी हम डालेंगे तो लोग देखें एंड आई होप दे लाइक इट। जोया प्रोसेस किस तरह का काम करने का एक्सपीरियंस रहा आपका? जोया, या शी इज़ वेरी गुड, बहुत प्रोफेशनल हैं एज एन आर्टिस्ट, बहुत ऑन टाइम और डेडिकेटेड हैं, एंड मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो आई थिंक इट वॉज़ फन, मेरे को मज़ा आया उनके साथ काम करने में, हमारी दोस्ती भी अच्छी है, एंड आई ऑलवेज विश अ लक, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। YouTube कितना बड़े स्कोप मानते हैं आप, क्योंकि अभी अभी भी आपने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? जी, YouTube बहुत बड़ा, मुझे लगता है YouTube और जो अब हम लाइव स्ट्रीमिंग अगर जनरली बात करें ऑनलाइन, ये ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो गया है, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है 5-7 साल बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लोग अब आप देख रहे हैं टीवी से हट के एंड्रॉयड पे और टैब्स पे ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं आजकल, वेब सीरीज़ का बहुत चल रहा है, हमारे भी 2 वेब सीरीज़ शुरू होने वाली हैं, तो क्योंकि वेब एक इतनी बड़ी रीच है कि टेलीविज़न से लोग हट के और सिनेमा से लोग हट के वेब पे आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट डिनाई इट। और हम लोग क्योंकि मीडिया लाइन से हैं, फिल्म लाइन से हैं, तो हमारे लिए तो ये नेचुरल है कि अगर लोग सिनेमा देखना छोड़ेंगे तो हम वेब पे आएंगे, तो इट्स नॉर्मल कि अब अगर आप देखते हैं कि हमारा गाना, हमारे ट्रेलर्स जो अभी फिल्म के भी रिलीज़ हुए हैं, वो सब वेब पे डिपेंड कर रहा है अब कि आपकी वेब पे कितनी व्यूअरशिप है, कितने लोग देख रहे हैं। तो वेब इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग नाउ एंड इट्स सीरियस बिजनेस, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल्स हैं, सब लोग वेब पे बहुत बड़े लेवल पे अब काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा एक मूवी भी आ रही है जिसने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जी क्या कहना जी जी चाहेंगे उस मूवी का? वो फिल्म का नाम है 40 एट मिडनाइट, और वो एक्चुअली ड्रग एडिक्शन पे है, एंड कहानी 2 लड़कों की है जो ड्रग एडिक्शन में फंसे हुए हैं बॉम्बे में, और वो उनमें एक एक्टर है लड़का, एक कॉलेज स्टूडेंट है, और उनकी लाइफ के बारे में है, और बड़ा अंडर करंट कि बॉम्बे में एक लाइफ ये भी है जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है। तो बहुत अच्छी एक स्टोरी और कहानी निकली थी उसमें, और उसमें मुझे लगता है कि इंटरनेशनली उस फिल्म को बहुत एक्सेप्ट किया गया, बहुत अवार्ड्स जीती हम लोग, अमेरिका, यूके, स्पेन, दुबई, बहुत मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, थाईलैंड, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे पिक्चर डब भी हुई, तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे इस फिल्म को ले जाया गया, दिखाया गया, और मेरे को कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि ये फिल्म को आगे दिखाते रहें क्योंकि इसमें हम दिखा रहे हैं कि ड्रग से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लोग आजकल जो यंग जनरेशन है, खासकर जो 15-16 साल की जनरेशन है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रग्स, तो ये फिल्म मुझे लगता है अगर उनकी लाइफ बदले फिल्म को देख के, तो आई थिंक फिल्म का मोटिव
सॉल्व हो से कुछ जाएगा तो मैसेज मिलेगा इस मूवी के थ्रू और जी। यंग जनरेशन सुधरेगी। हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस हो जाती हैं, तो वो मस्ती मजाक में लोग करने शुरू करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, और ड्रग एडिक्शन की भी यही प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा अलग दुनिया में ले जाती है और आप खोए रहते हैं, और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मेन बात यह है कि इट्स बैड फॉर हेल्थ। तो ये फिल्म का आइडिया ये है कि हम मुंबई को और जो हमारी अर्बन सिटीज़ हैं इंडिया में, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हम दिखाना चाहते हैं कि ड्रग एडिक्शन से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड दैट्स द आइडिया। ओके फाइनली सर किस्मत पे जा रहे हैं, क्या यूएसपी क्या मूवी की ऑडियंस जाए तो क्यों जाए इसको? USP, एमी विर्क, सरगुन मेहता बहुत बड़े स्टार हैं दोनों। म्यूज़िक बहुत अच्छा है पिक्चरों का, और मेन कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। तो मुझे लगता है जो लोग थिएटर में जाएंगे उनको बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म, और जो हमारे अंदर बेईमान लव आ गया थोड़ा बहुत, असली लव आए, और मुझे लगता है किस्मत देख के लोग शायद प्यार करना थोड़ा सीख जाएं वापस रियली में, और अच्छा होगा। आई थिंक पीपल विल लाइक द फिल्म, फैमिली एंटरटेनर है, सबके लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, एंड आई थिंक एवरी वन शुड इन्जॉय। तो जो भी लोग थिएटर में जाएंगे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो प्लीज़ जाइए और अपने फैमिली के साथ जाइए और फिल्म एंजॉय करिए। यही लगा लो ना निकल ना काम पर लगा लेंगे इनको ओके ना यही ले लो और क्या। तो सर आप इधर टर्न हो जाइए ओके देखिए विजुअल ले लीजिए इनको। अच्छा सर यहां से भी मिल रहा है, बात करते रहो फिर मैं चले जाऊंगा। नशे में हां बात आप करते बात रहिए। करते रहिए। अच्छा आप बात करते हो तो लोगों को कटवे मिलेंगे, तब भी तू भी मार ले तो कर दीजिए एंडिंग कर ले कर ले दीजिए। कल कोई रेड कार्पेट किया तुमने रात में कोई भी फिल्म का? इस वीक क्या फिल्म आई है? मजनू इस वीक कौन सी फिल्म आई है? दो आई है, यमला पगला और अच्छा अपना हाँ स्त्री। यमला यमला पगला पगला कैसी दीवाना है? का रिव्यू अच्छा ही है, अच्छा है। फनी है? फनी स्त्री इज मूव आउट स्त्री, ओके स्त्री आगे निकल जाएगी। स्त्री हॉरर है ना? हॉरर का टाइमिंग इतना परफेक्ट रहता है, टाइमिंग नहीं एक्टर अच्छा है वो, नो डाउट। ऑडियंस ने बोला भी अब तक की बेस्ट मूवी है उनकी।